अब उपवास में हर बार आपको सेम रेसिपी नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उपवास में खाने वाली बहुत ही यूनिक, एकदम क्रिस्पी और करारा नाश्ता। इस नवरात्रि मैंने इसे बनाकर ट्राई किया है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए इसकी रेसिपी आपके साथ भी मैं शेयर करती हूँ। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 250 ग्राम सामा, हमारे यहाँ पर इसे सामा कहते हैं। ये मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। ये समक या उपवास के चावल के नाम से भी जाने जाते हैं। मैं इन्हें ग्राइंड करके इनका आटा बनाने वाली हूँ। इसका आटा मार्केट में भी मिलता है, तो आप वो भी ले सकते हो। तो देखिए, ग्राइंड करके इस तरह का फाइन पाउडर हमें बना लेना है। अब इसे हम साइड में रख देंगे और नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले पैन में ले लेंगे पानी। तो जितना हमने सामा लिया है उसका डबल हम पानी ले लेंगे। पानी में एक अच्छा सा बॉयल आने दीजिए। अब डालेंगे इसमें कटी हुई हरी मिर्च, इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। आधी चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे। आधी चम्मच मैंने यहाँ पर ली है कुटी हुई लाल मिर्च। अगर आप इसे उपवास में नहीं खाते हो तो इसे स्किप कर दीजिए। एक चम्मच भरकर डालेंगे इसमें तिल। तो स्वाद के अनुसार इसमें डाल देंगे उपवास का नमक। पानी में बढ़िया सा बॉईल लेकर इसमें डाल देंगे एक बड़े साइज का आलू, जिसे मैंने इस तरह से ग्रेट करके लिया है। इसे पानी में डालकर एक मिनट पका लीजिए। ये ग्रेट किया हुआ है तो एक बॉईल में बढ़िया से पक जाएगा। आलू में एक उबाल आने के बाद इसमें डालेंगे आटा जो हमने बनाकर तैयार किया था। इसे डालकर गैस का फ्लेम लो कर दीजिए और पानी में अच्छी तरह से आटे को मिला लीजिए। इसे बढ़िया तरह से चलाते हुए मिलाइए ताकि इसमें कोई भी लम्स ना पड़े और एकदम स्मूथ सा बैटर बन जाए। इस तरह से लगातार आटे को चलाते हुए अच्छे से मिलाइए। अब आटे को पकाने के लिए हम इसे लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर देंगे, ताकि जो आटा है वो अंदर ही अंदर बढ़िया से बफ जाएगा और आटे का जो कच्चा फ्लेवर है वो भी निकल जाएगा। तो देखिए, आटे को मैंने 3 से 4 मिनट बढ़िया से कुक कर लिया है। बीच बीच में मैंने एक दो बार चलाकर ऊपर नीचे भी कर दिया था, जिससे ये इवनली कुक हुआ है। बिल्कुल इसी तरह का बैटर हमें बना लेना है। यहाँ पर कोई भी फ्लैट बर्तन में थोड़ा सा घी लगा लीजिए, जिससे डो चिपकेगा नहीं। अब डो को थाली में निकाल लेंगे और इसे थाली में फैलाकर सेट कर लेंगे। इसे स्पैचुला से ऐसे दबाते हुए जितने मोटे पीस आपको चाहिए वैसे फैला लीजिए। जब डो गर्म हो तभी आप इसे थाली में सेट कर दीजिए। ठंडा होने के बाद ये बढ़िया से सेट नहीं होगा, तो ऐसे गरम गरम ही इसे फैला लीजिए। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से इसे सेट करके पूरी तरह से इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम नाश्ते के साथ खाने के लिए चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के लिए जार में ले लीजिए मूंगफली के दाने। इन्हें मैंने रोस्ट करके इनके छिलके को निकाल कर लिया है। एक चम्मच डालेंगे तिल, 2 से 3 हरी मिर्च, आधा चम्मच जीरा। ये मेरे पास सूखा वाला पुदीना था तो मैं इसे भी डाल रही हूँ। अब जाएगा हरा धनिया। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी स्वादिष्ट चटनी बनकर रेडी है। यहाँ पर हमारा जो डो है वो भी बढ़िया तरह से सेट हो गया है, पूरी तरह से ठंडा भी हो गया है। तो इसके स्क्वायर में पीसेस हम कट कर लेंगे। ठंडा हो जाने के बाद यह आसानी से कट हो रहा है। देखिए कितने बढ़िया से पीस बने हैं। अब इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। पैन में ऑयल लेकर गरम कर लीजिए। अब इसमें एक एक पीस डालेंगे और इन्हें फ्राई कर लेंगे।
आप चाहें तो इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हो। ये नाश्ता बहुत ही यमी बनता है। उपवास के दिनों में जब छोटी मोटी भूख लगती है तो आप इस क्रिस्पी नाश्ते को बना सकते हो। ये सभी को बहुत पसंद आएगा। पहले नीचे से सुनहरा सा होकर बढ़िया से क्रिस्पी होने दीजिए, उसके बाद ही इन्हें पलटिए। यहाँ आप देख सकते हो इनका कितना अच्छा कलर आया है। ये नीचे से कुरकुरे भी हो गए हैं। अब इन्हें दूसरी साइड से भी बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से इन्हें इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी कर लीजिए। थोड़ी देर में ही देखिए हमारा नाश्ता बढ़िया से फ्राई हो गया है और ये बनकर रेडी है। इन्हें हम पैन में से निकाल लेंगे। ये एकदम कुरकुरे और करारे बने हैं। स्वाद में भी ये एकदम लाजवाब है। इन्हें आप उपवास में बनाकर एक बार जरूर ट्राई कीजिए। ये यूनिक सी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। इसे आप दही और चटनी के साथ खाइए। यकीन मानिए आप इसे बार बार बनाओगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही लाजवाब रेसिपीज़ के लिए।